आज का हम रिव्यू करने वाले हैं बॉलीवुड की 5 डरावनी फिल्मों के बारे में, जिन्हें तुम्हें अकेले में नहीं देखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इसको अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। निया बहुत सेंसिटिव बच्ची है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। खैर, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। इसका नाम है आत्मा। ये मूवी आई थी 2013 में। इसकी स्टोरी की बात करें तो माया अपने पति की आत्मा से परेशान है, जो अपनी बेटी की कस्टडी खोने के तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में मर गया था। वो सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आत्मा से शक्ति के खिलाफ संघर्ष करती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बार जाके मूवी आप देखें। ये मूवी आपको देखने मिल जाएगी प्राइम वीडियो पर। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। इसका नाम है फूक 2। ये मूवी आई थी 2010 में। इसकी स्टोरी की बात करें तो राजीव अपने परिवार के साथ एक समुद्र तट के पास नए घर में रहने लगता है। घर में कदम रखते ही राजीव के बच्चों को अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक भय जाग उठता है जो बच्चों को परेशान करने लगता है। ये मूवी आपको देखने मिल जाएगी यूट्यूब पर। और आज के तीसरी मूवी का नाम है शैतान। ये मूवी आई थी इसी साल 8 मार्च को। इसकी स्टोरी की बात करें तो अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई की एक कहानी, जिसमें एक परिवार धार्मिकता की शक्तियों का प्रतीक है, जबकि एक आदमी दोष का प्रतीक है, यानी बुराई। और आज के दूसरी मूवी का नाम है पीहू। ये मूवी आई थी 2017 में। इसकी स्टोरी की बात करें तो पूजा के साथ झगड़े के बाद गौरव एक बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता चला जाता है। हालात तब बदल जाते हैं जब पूजा अपनी 2 साल की बेटी को अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर आत्महत्या कर लेती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बार जाके मूवी आप देखिए। ये मूवी आपको देखने मिल जाएगी जियो सिनेमा पे। आज के पहले मूवी का नाम है वेलकम होम। ये मूवी आई थी 2020 में। इसकी स्टोरी की बात करें तो डेटा इकट्ठा करने के रास्ते में उन्हें एक सुनसान घर मिलता है, जहां टीना भाटिया नाम की एक प्रेग्नेंट महिला उनका स्वागत करती है। लड़कियों को बूढ़े व्यक्ति ने बंधक बना लिया, जो वास्तव में लंबे समय से प्रेग्नेंट महिला के साथ मारपीट कर रहा है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे वो लड़कियां घर से भागने के लिए संघर्ष करती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाहर जाके मूवी आप देखें। मूवी आपको देखने मिल जाएगी सोनी लिव पर। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। और एक बात, मैंने इसका पार्ट 6 भी इस चैनल पर अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा तो मैं इस वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में दे दूँगा, जिससे आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहिए यूनिक रिव्यू। बाय।